नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल होम फॉर यू में। आज हम आपको जो फ्लोर दिखाने वाले हैं वो है DDA के एक्सपेंडेबल प्लॉट्स के जोड़े का एक फ्लोर जो कि है 3BHK फ्लोर। आइए आपको वो फ्लोर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी हम जहाँ पर है वो है दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन का स्टेशन रिठाला मेट्रो स्टेशन, और आने वाले टाइम में और दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के हिसाब से यहाँ ये मेट्रो आगे एक्सटेंड होगी फ्रॉम रिठाला टू नरेला। और जब ये मेट्रो एक्सटेंड होगी तो अगर हम दिल्ली मेट्रो के ऑनलाइन रूट मैप देखें तो उसके हिसाब से जो हमारा फर्स्ट रिठाला के बाद जो फर्स्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो होगा सेक्टर 25 या इस्कॉन टेम्पल। तो और इस लाइन की कंस्ट्रक्शन कभी भी स्टार्ट हो सकती है, DDA के एक यस की जरूरत है। जैसे ही वो हो जाएगा वैसे ही इस लाइन की पूरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा जो ये प्लॉट है या हमारा ये जो जहाँ पे हम अभी आपको दिखाने वाले हैं वो बिल्कुल मेट्रो लाइन फेसिंग प्लॉट है। बिल्कुल आप अपने बालकनी में खड़े होंगे तो आपको ये मेट्रो लाइन का व्यू बहुत प्यारा मिलेगा, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। और ये सारा का सारा एरिया ग्रीन बेल्ट का एरिया है, प्लस ये पूरा RWSA कंट्रोल्ड एरिया है जो कि एक गेटेड सोसाइटी है। तो चलिए आप आपको उस फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं। और ये आ गए हम हमारे एक्सपेंडेबल प्लॉट के जोड़े पे जो कि है 3BHK फ्लोर, और ये हमारी मेन एंट्रेंस। एंटर करते ये हमारा ड्राइंग प्लस डाइनिंग हॉल है। बहुत स्पेशियस हॉल है ये, और इस हॉल का साइज अराउंड 12x17 फीट का है, और इसमें ये वाइट मार्बल की फ्लोरिंग भी करी हुई है। प्लस ऊपर है हमारे पास फॉल्स सीलिंग जिसमें LED लाइट्स लगी हुई हैं, और यहाँ पर सेंटर में है हमारे पास ये LCD पैनल फॉर योर टेलीविजन म्यूजिक सिस्टम एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। और राइट साइड पे हमारे पास ये विंडो फॉर वेंटिलेशन सनलाइट एंड योर स्प्लिट AC एंड विंडो AC। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम। इस बेडरूम का साइज 9x11 फीट का है, और इसमें भी सेम वाइट मार्बल की फ्लोरिंग करी हुई है, और सामने यहाँ पर हमारे पास विंडो है फॉर वेंटिलेशन एंड सनलाइट, और साथ में इसमें है ये अटैच बालकनी, और इसमें है ये इलेक्ट्रिक पॉइंट प्लस वाटर टैप का पॉइंट फॉर योर वॉशिंग मशीन। और यहाँ पर है हमारे पास ये फ्लोर टू सीलिंग की पूरी अलमीरा, बहुत स्पेशियस अलमीरा है, और ये स्लाइडिंग अलमीरा है, ये स्लाइडिंग अलमीरा है, इसके अंदर हम बहुत सामान रख सकते हैं अपना। और यहाँ पर है ये टेक्सचर्ड वॉल, और इसके रूम के साथ में है ये अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम में वाइट मार्बल की फ्लोरिंग करी हुई है, और इस वॉशरूम का साइज है 4.5x7 फुट का अप्रॉक्सीमेटली, और इसके अंदर अभी ब्रांडेड फिटिंग करनी बाकी है। और इसमें है ये सेकंड डोर, तो ये सेकंड डोर जो है ये हॉल के अंदर खुलता है, तो हम इस वॉशरूम को एज कॉमन वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसके साथ चलते हैं हम अपने सेकेंड रूम में जो कि है ये किचन के राइट साइड में। ये हमारा सेकेंड रूम है, और इस रूम का साइज 9x11 का है, और इसमें भी सेम वाइट मार्बल की फ्लोरिंग है, प्लस ये फॉल्स सीलिंग है विद LED लाइट्स। और यहाँ पे ये इसमें वॉशरूम है, वॉशरूम अभी क्लोज है तो मैं आपको ये बालकनी दिखाता हूँ। ये इसकी बालकनी है, और ये आप देख सकते हैं ये मेन रोड फेसिंग प्लॉट है, और यहीं पे बिल्कुल सामने आगे हमारे मेट्रो लाइन आएगी, और इसमें भी इलेक्ट्रिक पॉइंट और वाटर टैप का पॉइंट दिया हुआ है, प्लस ड्रेनेज पॉइंट भी है। और यहाँ पर भी बहुत स्पेशियस अलमीरा है फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग की, और वो भी स्लाइडिंग अलमीरा, और ये हमारा टेक्सचर्ड वॉल है। बाहर निकलेंगे रूम से तो ये हमारी किचन। इस किचन का साइज 9x6 का है, 9 फीट स्ट्रेट 6 फीट वेर्थ है इसकी, और ये मॉड्यूलर किचन है। सामने यहाँ पे हमारे पास ये विंडो है फॉर योर वेंटिलेशन, यहाँ पे हम अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, ये चिमनी के लिए स्पेस दी हुई है, प्लस इसका जो टॉप है ये वाइट मार्बल का है, और बास्केट मॉड्यूलर किचन की लगी हुई है, ये क्रॉकरी की बास्केट है, और
बहुत स्पेस है इस किचन में सामान रखने के लिए हमारे पास। ये देखिए बहुत स्पेस है, ये बहुत स्पेशियस और बहुत एलिगेंट किचन है ये। और किचन के जस्ट लेफ्ट साइड में हमारा ये रूम। इस रूम का साइज 12x12 का है और वाइट मार्बल की फ्लोरिंग है, फॉल सीलिंग है विद एलईडी लाइट्स, वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए यहाँ पे भी विंडो है, और ये फ्लोर टू सीलिंग की पूरी बड़ी अलमीरा है। और ये है एलसीडी पैनल फॉर योर टेलीविजन एंड म्यूजिक सिस्टम। इसके पीछे है टेक्सचर्ड वॉल, और ये जो फ्लोर है ये रेडी टू मूव फ्लोर है। आपको अपना बस सामान लाना है और आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पे आप रह सकते हैं। और बाहर निकल के यहाँ पे है ये हमारा लिफ्ट एरिया, इसमें 4 पैसेंजर्स की लिफ्ट अभी इंस्टॉल होनी है। और ये हमारा स्टेयरकेस, स्टेयरकेस के अंदर ये बहुत बड़ी विंडो दे रखी है फॉर योर वेंटिलेशन एंड सनलाइट पर्पस। तो आइए हम आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताते हैं। ये जो प्लॉट है ये डीडीए का फ्रीहोल्ड प्लॉट है, जिसकी आपको अगर आप ये फ्लोर लेते हैं तो आपको रजिस्ट्री भी मिलेगी और आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। और ये जो फ्लैट है ये 3 साइड ओपन फ्लैट है, आपको हर बेडरूम में, किचन में, बाथरूम में, हर जगह आपको वेंटिलेशन मिलेगी ही मिलेगी। प्लस यहाँ पे है टाटा पावर डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और IGL का गैस पाइपलाइन का कनेक्शन, और यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का वाटर का कनेक्शन भी है जो कि हमारे 1000 लीटर्स के टैंक के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपको सबमर्सिबल का भी कनेक्शन मिलेगा जो सेम हमारा 1000 लीटर्स के वाटर टैंक के साथ कनेक्टेड है, तो आप कभी भी अपना किचन का, बाथरूम का कभी भी टैप खोलेंगे तो आपको 24 आवर रनिंग वाटर मिलेगा ही मिलेगा। और इस फ्लैट के बारे में आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं या साइट हमारी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।